ओरली हम अपने बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाते हैं, अल्फाबेट्स, नंबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रिसाइटेशन ऑफ राइम्स, उसके बाद हम आते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, बट कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बच्चे खुद ही सीख जाते हैं। कई चीज ऐसी है ना कि टेलीविजन से बच्चा आपको खुद ही सीख जाता है, आपको सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कैसे रिसाइट करना है राइम्स को, स्टोरी टेलिंग। बट जहां बात आती है राइटिंग की, तो उस पार्ट में आपको अपने बच्चे को साथ में लेकर बैठना ही पड़ता है, अदरवाइज बच्चा केवल स्क्रिबलिंग ही करता रहेगा और वो कुछ और लिखने में इंटरेस्ट आपका नहीं दिखाएगा। सो इट्स वेरी बेटर कि आपको एक आइडिया हो कि बच्चों को, नर्सरी के बच्चों को, जो 2.5 से 3.5 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या लिखना सिखाना है, जिससे कि बच्चा जो है वो प्रॉपर एज में इंटरेस्ट भी दिखाए और एक प्रॉपर एज में लिखना भी स्टार्ट कर दे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल द मॉमीशियस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि नर्सरी में बच्चों को लिखने में क्या क्या आना चाहिए, जिससे कि अगर आप अपने बच्चों की होम स्कूलिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि कई बार कई पेरेंट्स क्या होते हैं कि नर्सरी में बच्चों को स्कूल भेजना प्रेफर नहीं करते और वो होम स्कूलिंग ही करते हैं, तो अगर आप बच्चों की होम स्कूलिंग कर रहे हैं स्पेशली, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अथर ने पूरे अपने नर्सरी के सेशन में लिखने में क्या क्या सीख लिया है। इसी वीडियो में अथर स्कूल की भी सारी वर्कशीट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको एक बेटर आइडिया हो सके। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिल सके। फर्स्ट थिंग इज, व्हेनेवर यू स्टार्ट टीचिंग योर किड्स टू राइट, आप स्क्रिबलिंग से स्टार्ट करें। स्क्रिबलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग का, जो आपको बच्चों को बहुत ही अर्ली एज से करने देना चाहिए। आपको फोर्सफुली स्क्रिबलिंग नहीं कराना है। अगर बच्चा इंटरेस्ट है बच्चे का स्क्रिबलिंग में, तो आप बच्चों को स्क्रिबल करने दीजिए। जब आप बच्चों को लिखना सिखा रहे होते हैं, उसके अलावा आप टाइम दीजिए बच्चों को, एक सफिशियंट टाइम दीजिए बच्चों को स्क्रिबल करने के लिए। अब ये जो दोनों टाइम है ना, इसको अलग रखिए। जब आप लिखना सिखा रहे होते हैं वो टाइम अलग है, और स्क्रिबल करने का टाइम अलग है। ऐसा नहीं करें कि जिस टाइम आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं उस टाइम पर आप बच्चों को स्क्रिबल करने दे रहे हैं, क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप दोनों को मिक्स कर देंगे ना, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि कब स्क्रिबल करना है और कब उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। सो आपको जितना ज्यादा बच्चों को स्क्रिबल करने देंगे, उतना ही बच्चे का जो होल्ड होता है पेंसिल पे वो अच्छा होगा, बच्चा पेंसिल को प्रॉपर तरीके से होल्ड करेगा। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि आप बच्चों को स्क्रिबल करने दें। घर में एक प्रॉपर स्पेस बना दें जहां पर उसको स्क्रिबल करना है, जिससे कि बच्चा जो है वो घर के आपकी जो और वॉल्स हैं उसको वहां पर वो स्क्रिबल नहीं करे। प्रॉपर एक बोलते हैं उसको फाइल दे दीजिए या फिर एक कॉपी, जो भी आपके घर में है, आप एक उनको उसको वो दे दीजिए और वो वहां पर जितना वो स्क्रिबल करना चाहे वो वहां पर कर सकता है। एक मतलब एक बोलते हैं ना, फ्री स्पेस बच्चों को देना बहुत ज्यादा जरूरी है स्क्रिबलिंग के लिए। ये आपका बहुत हेल्पफुल होगा। इनफैक्ट मैंने ना एक और वीडियो इस चैनल में डाली हुई है कि हाउ टू टीच योर किड्स टू राइट, बट दिस वीडियो इज लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको बच्चों को सिखाना है लिखने में। इतना जल्दी हो सके आप बच्चों को स्क्रिबलिंग करने दें, राइट। सेकंड थिंग इज, जो इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक लाइंस। अब बेसिक लाइंस सबको पता होती है कि कौन सी बेसिक लाइंस आपको बच्चों को पढ़ानी है, स्टैंडिंग लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्लांटिंग लाइंस, कर्व लाइंस। अब इसके अलावा आप बच्चों को कौन सी लाइंस करा सकते हैं? नेक्स्ट आती है आपकी अपसाइड डाउन लाइंस, एक ये आती है, इसकी ऑपोजिट एक लाइन आती है। नेक्स्ट आती है आपकी स्विंगिंग लाइंस, जिगजैग लाइंस, एस पैटर्न। ये लाइंस भी आप अपने बच्चों को साथ में पढ़ाएं, जिससे कि बच्चा जब अल्फाबेट लिखेगा ना फ्री हैंड से, तो उसको काफी ज्यादा हेल्प होगी। आप सिंपल जो ये बेसिक लाइंस हैं, इसके अलावा आप ये कुछ और जो लाइंस है ना, ये भी आप जरूर पढ़ाएं। बिलीव मी, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जब आपका बच्चा अल्फाबेट राइटिंग स्टार्ट करेगा। थर्ड थिंग इज, डोंट एवर स्टार्ट विद अ पेंसिल। बच्चों को स्टार्टिंग से ही पेंसिल नहीं होल्ड करने दें, पेंसिल बच्चों को नहीं दें, बिल्कुल भी नहीं दें। आप जब बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, तो बच्चों को आप क्रेयॉन्स दें, या फिर आप बच्चों को स्लेट पेंसिल दे सकते हैं, क्रेयॉन्स जो इतने साइज के आते हैं वो देने हैं, या फिर आपको स्लेट पेंसिल देनी है। फ्रेंड्स, इस टाइप के स्लेट्स आते हैं, इस पे आप बच्चों को लिखना सिखा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आते हैं, आप बच्चों के लिए आप जरूर परचेज करें। बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा लिखने में, अगर आप स्लेट पेंसिल से यहाँ इसमें बच्चों को आप लिखना सिखाएंगे तो। नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप इन लाइन्स को बच्चों को सिखाते हैं, तो उस टाइम पर बच्चों को ना फ्री हैंड से करने दें। स्टार्टिंग से ही बच्चों को डॉटेड लाइन्स में हैबिट नहीं डालें, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बच्चा फ्री हैंड से नहीं लिखेगा। इनफैक्ट ना मेरे केस में ऐसी होगी, मैंने अथर्व को बहुत ज्यादा डॉटेड लाइन्स में, स्टार्टिंग से डॉटेड लाइंस में करवाया, और बाद में क्या हुआ कि फ्री हैंड से लिखने में उसे काफी प्रॉब्लम हो गई। आपके पास इस टाइप का, अगर आपके पास स्लेट है, तो इसमें आप क्या करें, पार्टीशन कर दें। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके आप टू पार्टीशन करें।
जैसे जैसे बच्चा जब सीखता जाएगा तो इसके आप और स्मॉल पार्टीशंस करें, इस टाइप से आप पार्टीशंस करें इसके। एक बार में केवल एक ही लाइंस बच्चों को कराएं। अगर आप स्लीपिंग लाइंस करा रहे हैं बच्चों को तो सब में स्लीपिंग लाइंस ही करवाएं, पूरी स्लेट में आपको केवल स्लीपिंग लाइंस ही करवानी है। एक पेज में या फिर एक साइड आपको डिफरेंट लाइंस एक टाइम पे नहीं करवानी है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। आप केवल एक टाइम पे एक ही लाइन करवाएं और एक पेज पे भी केवल एक ही लाइन करवाएं। अगर आप स्लीपिंग लाइन करा रहे हैं तो पूरे पेज में उसको केवल स्लीपिंग लाइन करने को दें। अगर आपको स्टैंडिंग लाइन्स बच्चों को करवानी है तो उसमें भी आप इसी टाइप से पार्टीशन करें। स्टैंडिंग लाइन करानी है तो एक टाइम पे इन सब में आपको केवल बच्चों को स्टैंडिंग लाइन ही करवानी है, राइट। इस पार्टीशन करने से ये फायदा होगा कि बच्चों को पता रहेगा कि उसे कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है। अगर आप पूरा पेज ब्लैंक रखेंगे और बच्चों को बोलेंगे कि स्टैंडिंग लाइन बनाओ तो बच्चा पूरा ऊपर से नीचे तक स्टैंडिंग लाइन बना देगा। अगर स्लीपिंग लाइन बनानी होगी तो पूरा वो लेफ्ट टू राइट कवर कर देगा। तो उसको एक एरिया पता होना चाहिए, क्लोज एरिया उसको पता होना चाहिए कि कहाँ तक या फिर कहाँ पर उसको वो पर्टिकुलर लाइंस बनानी है। तो दिस विल रियली वर्क फॉर योर चाइल्ड। जब बच्चा थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए फ्री हैंड से लिखने में, फ्री हैंड से लाइंस बनाने में, उसके बाद आप बच्चों को वर्कशीट्स दें। वर्कशीट्स तैयार करें बच्चों के लिए। वर्कशीट्स में आप डिफरेंट टाइप की वर्कशीट्स बच्चों के लिए बना सकते हैं। अब जैसे कि ये स्टैंडिंग लाइन की वर्कशीट्स है, राइट। तो ये स्टैंडिंग लाइंस को आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए, जैसे आपने क्लाउड्स बना दिए, क्लाउड्स में इस टाइप से रेन को आपने जैसे डॉटेड कर दिया, तो इस टाइप से बच्चों के लिए फ्लावर्स है, लॉलीपॉप है, इस टाइप से आप डिफरेंट वर्कशीट्स बच्चों को बना सकते हैं और बच्चों को ना काफी इंटरेस्ट भी आता है अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से वर्कशीट्स आप देंगे। नेक्स्ट आप अपने बच्चों को आप अब अल्फाबेट्स सिखाएं। अल्फाबेट्स में आपको पहले सबसे पहले कैपिटल लेटर्स सिखाने हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेटर्स को लिखने से पहले बच्चे का रिकॉग्नाइजेशन भी बच्चों को आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रिकॉग्नाइजेशन सिखाना है, उसके बाद आपको राइटिंग पार्ट में जाना है। अगर बच्चों को अल्फाबेट्स रिकॉग्नाइज करना ही नहीं आएगा तो बच्चा उसको प्रॉपर तरीके से लिख नहीं पाएगा। अगर आप बोलेंगे ए और अगर बच्चों को पता ही नहीं है कि ए दिखता कैसा है तो वो उसको किस तरीके से लिखेगा ना, तो उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पहले बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन कराएं और बाद में उसको आप राइटिंग पार्ट में जाएं। पर जनरली क्या होता है कि नर्सरी के जो बच्चे होते हैं रिकॉग्नाइजेशन उनको आता ही है। अब क्या करें आप, जैसे कि आपको ए लिखना है, कैपिटल ए लिखना है, तो बच्चों को बोलिए कि वन स्लांटिंग लाइन, वन मोर स्लांटिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अल्फाबेट्स बच्चों को लिखा सकते हैं। जैसे कि बी लिखना है तो वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्मॉल कर्व, वन मोर कर्व, इस टाइप से। मतलब जो भी या जिस भी लैंग्वेज में आप और आपका जो बच्चा है वो कंफर्टेबल होता है वही आप यहाँ पर यूज करें, उसी तरीके से आप बच्चों को बोलें जिससे कि बच्चा जो है वो अल्फाबेट्स को कैच कर पाए। और जब भी आप उसको बोलें कि ए लिखना है तो उसको एक पता रहे कि एक स्लांटिंग लाइन बनानी है, वन मोर स्लांटिंग लाइन बनानी है और वन स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बोल बोल कर अल्फाबेट्स को लिखना सिखाएं, ठीक है। और साथ ही साथ आप अल्फाबेट्स को डॉटेड लाइंस में भी बच्चों को करने दें। तो आपको इतना दोनों एक साथ करना है, आपको फ्री हैंड से भी सिखाना है बच्चों को बोलकर और डॉटेड्स में भी सिखाना है, जिससे कि ऐसा ना हो कि बच्चा किसी एक ही चीज में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए और दूसरा बच्चा नहीं कर पाए। बट प्रेफर ये करें कि पहले आप बच्चों को फ्री हैंड से सिखाएं, उसके बाद डॉटेड लाइंस में सिखाएं। मैं आपको बार बार यही बोलूंगी कि पहले फ्री हैंड से सिखाएं, उसके बाद डॉट में। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं, क्योंकि नेक्स्ट मैं अथर्व की वर्कशीट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, स्कूल की वर्कशीट्स। तो अथर्व की जो स्कूल की वर्कशीट्स है ना वो दो सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। मतलब स्टार्टिंग का जो 6 मंथ है उसकी वर्कशीट्स अलग थी और नेक्स्ट के जो 6 मंथ है उसकी वर्कशीट अलग थी। तो इस वीडियो में मैं स्टार्टिंग के 6 मंथ में लिखने में अथर्व को क्या क्या सिखाया है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 6 मंथ में उसको क्या क्या सिखाया गया है लिखने में वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो अथर्व की जो स्कूल की वर्कशीट्स है वो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड आर्ट्स। सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ इंग्लिश की वर्कशीट्स। तो इंग्लिश की वर्कशीट्स में हमेशा, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि स्क्रिबलिंग से स्टार्ट हुआ था, पिक्चर्स को उनकी शेडो से मैच करने वाली वर्कशीट बना सकते हैं कि आपने एक साइड आपकी पिक्चर्स बनी है और साइड में उसकी शेडोज आपने बना रखी है, तो उसको आपस में मैच करना है। इससे ना बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट जो वर्कशीट्स हैं, जैसे कि सर्कल करना है अल्फाबेट्स को, या फिर जैसे सर्कल द अल्फाबेट ए, तो आपने काफी सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी और सर्कल ओनली ए, तो बच्चे को पता रहेगा कि ए कहाँ है। इससे बच्चा रिकॉग्नाइजेशन करना भी सीखेगा और पेंसिल का क्रेयॉन से बच्चा सर्कल करना भी सीखता है। एक और चीज जो कि शायद मैंने मिस कर दी है कि
लिखने में ना बच्चों को आप टिक करना, क्रॉस करना, ये भी आप सिखाएं, वैल्यूज ड्रॉ करना, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्कल में बैलून हो गया या फिर लॉलीपॉप हो गया, तो इस टाइप की वैल्यूज आप ड्रॉ करके बच्चों को दिखा सकते हैं और बच्चा भी इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, राइट। नेक्स्ट जो वर्कशीट्स हैं, जैसे कि मैच द सिमिलर लेटर्स, एक साइड आपने ABCD लिखा है और दूसरी साइड भी आपने उसको थोड़ा सा अल्टरनेट में लिख दिया, बी ऊपर ए नीचे, इस टाइप से, तो सिमिलर अल्फाबेट्स को मैच करना होता है। इससे क्या होगा कि बच्चे को एक तो रिकॉग्नाइजेशन बच्चे का स्ट्रांग होगा और बच्चे की स्लांटिंग लाइन्स या स्लीपिंग लाइन्स भी यहाँ पर बच्चा बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि किसी एनक्लोज्ड एरिया में बच्चों को स्क्रिबल करना होगा, तो ये तो हर जगह कराना ही है आपको, बच्चों को एनक्लोज्ड एरिया में स्क्रिबल बच्चों को जरूर करने थे। मैं बार बार बोल रही हूँ कि स्क्रिबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी एनक्लोज्ड एरिया में ही आप बच्चों को स्क्रिबलिंग कराएं। नेक्स्ट आता है कलर द पिक्चर्स रिलेटेड टू लेटर, किसी पिक्चर को उससे रिलेटेड लेटर में, जैसे कि मैंने जे लिखा है तो जे से जो जो पिक्चर्स आती है वहां पर उनको कलर करना होगा। तो ये सब था इंग्लिश की वर्कशीट में। इसमें स्टार्टिंग में अल्फाबेट्स, रिकॉग्नाइजेशन, मैच द फॉलोइंग, ये सब बच्चों को सिखाते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट मैं आती हूँ मैथ्स की वर्कशीट में। तो मैथ्स की वर्कशीट्स में आप काउंट एंड रीड सिखा सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है 7, तो 7 ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं तो उसको काउंट करना है, देन रीड करना है, इस टाइप से। नेक्स्ट जो आता है इसमें सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल द पर्टिकुलर नंबर, काफी सारे नंबर, जैसे आपने अल्फाबेट्स का किया था वैसे यहाँ पर नंबर्स का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैच द सिमिलर नंबर, जैसे अल्फाबेट्स का करा था यहाँ पर मैथ्स में उसमें नंबर्स को मैच कराना होगा, तो यहाँ पर बच्चा रिकॉग्नाइजेशन भी सीखेगा नंबर्स का, साथ ही साथ बच्चों की जो ट्रेसिंग है या पैटर्न्स है वो भी बच्चा यहाँ पर ड्रॉ करना सीखेगा। नेक्स्ट आता है इसमें प्री मैथ कंसेप्ट आते हैं हमारे, बिग एंड स्मॉल, एक बिग ट्री बना है, स्मॉल ट्री बना है, तो वहां पर आप बच्चों को बिग एंड स्मॉल का कंसेप्ट समझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है अप एंड डाउन का, कि ये अप है ये डाउन है, स्टेयर्स आप चढ़ रहे हैं तो अप है, स्टेयर्स जैसे नीचे आ रहे हैं तो वो डाउन है, तो इस टाइप से बच्चों को आप यहाँ पर सिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है काउंट एंड मैच, अब 5 नंबर लिखा है और यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स बने हैं, 4 लिखा है, 4 ऑब्जेक्ट्स बने हैं, तो एक टाइप से वहां पर मैच करना है कि 5 कहाँ पर है, नंबर 5 है, तो उनको 5 ऑब्जेक्ट से मैच करना है, तो ये एक टाइप की मैच द फॉलोइंग मैथ्स में आएगी। नेक्स्ट आता है मैच द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू पर्टिकुलर शेप, ना आप मैथ्स में आप डिफरेंट टाइप की शेप्स भी, जो बेसिक शेप्स होती हैं स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ये बेसिक जो शेप्स हैं वो मैथ्स में यहाँ पढ़ाई जाती है, तो शेप से रिलेटेड भी जो मैथ्स द फॉलोइंग है आप वो कर सकते हैं कि स्क्वायर से रिलेटेड कौन कौन सी पिक्चर आती है, जैसे कि स्क्वायर आपका क्या हो गया, वॉल क्लॉक हो गया, एक हैंकरचीफ हो गया, इस टाइप से आप मतलब वहां पर बच्चों को मैथ्स द फॉलोइंग करने के लिए दे सकते हैं। तो ये सब आती है हमारी मैथ्स की वर्कशीट्स में। नेक्स्ट आता है हमारा ईवीएस की वर्कशीट, तो ईवीएस में एक्चुअली बहुत कुछ आता है, ईवीएस में आप बच्चों को पर्सनल हाइजीन पढ़ाते हैं, तो अब यहाँ पर आप वर्कशीट्स किस तरीके से बनाएं, क्योंकि आप हर चीज यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना। अब नंबर्स हो गया, अल्फाबेट्स हो गया, तो इतना तो आप ड्रॉ या फिर घर पे बना सकते हैं, बट अब जब ईवीएस की बात आएगी तो आप क्या करें कि गूगल में कुछ सर्च करें और वहां से आप पिक्चर्स को ना प्रिंट आउट निकाल लें और एक पेज में आप पेस्ट कर लें, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। जैसे आप पर्सनल हाइजीन आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ब्रश योर टीथ, बात करना या फिर हैंड वॉश करना, नेल्स कट करना, इसकी आप कुछ पिक्चर्स प्रिंट आउट करके एक पेपर में आप पेस्ट कर लो, वहां से बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपके सेंस ऑर्गन्स हो गए ना सारे, अपने 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं आपके, आईज, नोज, माउथ, हैंड, इस टाइप से जो सेंस ऑर्गन्स है वो आप बच्चों को पढ़ाएं। नेक्स्ट आता है इसमें आपका सीजन्स आते हैं, जैसे रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में आप क्या क्या वेयर करते हैं, उस टाइम उसके बाद आपके रेनी सीजन में कौन कौन से क्रिएचर्स होते हैं वो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें सर्कल ओनली वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आपने एक जगह पेस्ट कर लिए एक A4 शीट में और वहां पर बच्चों को बोला कि सर्कल ओनली वेजिटेबल्स, तो बच्चा केवल वेजिटेबल्स में ही सर्कल करेगा, इस टाइप से आप फ्रूट्स का भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है मैच द फूड प्रोडक्ट टू इट्स सोर्सेस, ना कौन से फूड प्रोडक्ट, जैसे ट्री है आपने सेंटर में एक ट्री पेस्ट कर दिया, तो ट्री से आपको क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, आपको वेजिटेबल्स मिल जाएगा, फ्रूट्स मिलता है, एक साइड आपने मिल्क कर दिया तो क्या मिल्क मिलता है ट्री से, नहीं मिलता ना, तो वहां पर आप क्रॉस कर देंगे, तो इस टाइप से आप बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये बना सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स, आप उनको भी एक पेपर में पेस्ट कर सकते हैं, सब वहां बच्चों को आप बोलेंगे सर्कल द वाइल्ड एनिमल्स या सर्कल द डोमेस्टिक एनिमल, ऐसी आप एनिमल्स के यंग वंस, एनिमल्स के होम्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब चीजें आप बच्चों को सिखा सकते हैं ईवीएस। नेक्स्ट जो आती है आपकी आर्ट की वर्कशीट्स आती है, तो आर्ट में तो आप जितना ज्यादा बच्चों को कलर करवाएंगे उतना ही बच्चों का, मैंने बोला ना कि राइटिंग का जो पार्ट है वो स्ट्रांग
होता चला जाएगा. और स्टार्टिंग का जो जब बच्चा नर्सरी में जब जाता है तो 2.5 से 3 साल का ही होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जब बच्चे स्टार्ट करते हैं तो कलरिंग में बच्चे काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो आर्ट एक ऐसा पार्ट है कि बच्चों को आप सिखा सकते हैं कि किस टाइप से आउटलाइन करनी है, उसके अंदर फिर आपको कलर करना है, कैसे आपको कलर करना है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, स्मॉल स्मॉल सर्कल्स बनाने हैं, रिंग्स बनाने हैं. तो इस टाइप से आप बच्चों को इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट का जो 6 मंथ्स में जो जो वर्कशीट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं उसमें शेयर करूंगी. और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूंगी कि बच्चों को ना लिखने में बिल्कुल भी आप फोर्स नहीं करें, क्योंकि बिलीव मी अथर्व ने भी जब स्टार्ट किया था ना नर्सरी में तो अथर्व को लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जो लिखने में इंटरेस्ट है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो गया, और अभी अथर्व का इतना है कि वो फ्री हैंड से काफ़ी कुछ लिखने लग गया है. तो आप बिल्कुल भी फोर्स नहीं करें, बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी बट इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप लोगों की वीडियो यूजफुल रही होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय एंड टेक केयर.